बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद औरंगजेब खान और आप देख रहे हैं सिटी 606। अब तक की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर देते हैं लिया से। डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूक की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायज़ा इजलास। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर साइमा बतूल भी मौजूद। MSDHQ डॉक्टर खादिम हुसैन कुरैशी भी मौजूद। DSP अब्दुल मजीद की शिरकत। इजलास में हेल्थ अफसरान और WHO के नुमाइंदों की भी शिरकत। डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूक ने खिताब करते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंसदाद पोलियो मुहिम के 100% अहदाफ हासिल किए जाएँ। थल और नशेब के लिए बेहतरीन टीमें तश्कील दी जाएँ। खाना बदोश ख़ानदानों के बच्चों पर फोकस किया जाए। समाजी नुमाइंदगान मुहिम बारे आगाही फराहम करने में किरदार अदा करें। CEO हेल्थ डॉक्टर साइमा बतूल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इंसदाद पोलियो की 3 रोज़ा कौमी मुहिम 16 जनवरी से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 3.5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 1760 टीमें खिदमात अंजाम देंगी। जी जनाब, अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।